नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों, इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में आप में से काफी सारे लोगों ने आईफोन्स खरीदे होंगे और काफी सारे लोगों ने आईपैड्स वगैरह खरीदे होंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, अगर आपने कोई एक आईफोन या फिर आईपैड वगैरह या कोई और एप्पल प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको ये जरूर एक दिमाग में आ रहा होगा कि यार फ्लिपकार्ट ने इतने सस्ते में दिया है, कहीं नकली तो नहीं है या फिर मतलब कुछ और मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इसको चेक करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा और अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके से चेक होने के बाद ये आपको मतलब एक तरह से मैसेज शो नहीं करता है कि आपका प्रोडक्ट एक तरह से वेरीफाइड है तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर के दोस्तों जानते हैं कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि सबसे पहले अपने आईफोन या फिर आईपैड की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप अबाउट में जाके यहां पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, उस सीरियल नंबर को एक तरह से कॉपी कर लीजिएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है, जो भी आप बॉक्स एक तरह से जो भी आपके प्रोडक्ट का बॉक्स होगा, चाहे तो आईपैड का हो या फिर आपके एप्पल आईफोन का हो, वहां पर भी आपको ये सीरियल नंबर मेंशन देखने को मिल जाता है। तो वहां से देख लीजिएगा या फिर अपने फोन में देख लीजिएगा। और एक चीज और कर लीजिएगा कि दोनों का सीरियल नंबर मैच कर लीजिएगा, क्या पता आपको बॉक्स किसी और चीज का तो कभी मतलब नहीं दे दिया और आपको मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरा हो। अब इस प्रोडक्ट मतलब आपने सीरियल नंबर को एक तरह से देख लिया, अब इस सीरियल नंबर को कहीं पर नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च करना है अपने डिवाइस में यहां पर एप्पल सीरियल नंबर वेरीफाई, इस टाइप से आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो जो आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी, मैं आपको साथ साथ यहां पर आपको स्क्रीन पर कोशिश करूंगा कि दिखा दें कि आपको दिख जाए। तो यहां पर आपको चले जाना है, एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों यहां पर अपनी डिवाइस का सीरियल नंबर यहां पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे की साइड जो वेरिफिकेशन कोड है इसको आप एक तरह से एंटर कर लीजिएगा और यहां पर आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इससे आपका पता चल जाएगा कब आपका प्रोडक्ट एक तरह से बाय किया और इसकी कब तक वारंटी वगैरह, ये चीज भी आपको पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर दोस्तों सीरियल नंबर डालने के बाद आपका प्रोडक्ट यहां पर नहीं दिखाता तो समझ लीजिए दोस्तों आपको मतलब नकली कुछ ना कुछ मतलब आपके साथ गड़बड़ हो चुकी है। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली आप अभी, क्योंकि आपने अभी फोन खरीदा होगा तो डेफिनेटली रिप्लेस वगैरह हो जाएगा या फिर आईपैड आपने अभी खरीदा होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये चीज कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों काफी एक सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो भी एप्पल का प्रोडक्ट आपने खरीदा वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। आई होप दोस्तों करंटली वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।